रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रेलवे चलाने वाली है 20 नई ट्रेन और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे सभी नई ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में और उनके टाइमिंग के साथ साथ पूरे लिस्ट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। भारतीय रेलवे पैसेंजरों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है और इसी बीच रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में पैसेंजरों को सौगात मिल चुकी है 20 नई ट्रेनों का। कोरोना की कम होती दूसरी लहर और तीसरी लहर की आशंका के बीच भारतीय रेलवे पैसेंजरों को एक करके एक बड़ा सौगात दे रही है। रेलवे पैसेंजरों को सुविधा में लगातार विस्तार किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर प्रभावित हुई है, काफी ट्रेनें अब पटरी पर लौट चुकी है। रेलवे कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को फिर से बहाल कर रही है। वहीं स्पेशल और नई ट्रेनों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी कर रही है। बल्कि इतना ही नहीं, पैसेंजरों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों का शेड्यूल भी रिवाइज किया है और कई ट्रेनों का टाइम टेबल भी बदला गया है। एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनों की सेवाएं भी लगातार बढ़ाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार जो नई ट्रेन चलेंगी इस अवसर पर उनका लिस्ट भी रेलवे ने किया जारी और इनमें सबसे पहली ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से गांधीधाम के लिए चलाई जाएगी। यह ट्रेन 09073 के साथ चलेगी बांद्रा टर्मिनस से और बांद्रा टर्मिनस से गांधीधाम के लिए यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को खुलेगी 2:40 पर और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना की जाएगी। यह ट्रेन 20 अगस्त से अगली सूचना तक चलाई जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी दिशा में चलने वाली इसी ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। दूसरी दिशा में यह ट्रेन 09074 के साथ चलेगी और दूसरी दिशा में यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को चलेगी गांधीधाम से। यह ट्रेन 8:45 पर रात में खुलेगी और अगले दिन 11:55 पर बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी। अब बात करते हैं तीसरे ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तीसरा ट्रेन मुंबई सेंट्रल से पोरबंदर के बीच चलाया जाएगा। यह ट्रेन भी स्पेशल होगी और इसका परिचालन रोजाना देखने को मिलेगा। ट्रेन नंबर 09035 के साथ आप इस ट्रेन की बुकिंग भी कर सकते हैं और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइम टेबल के डिटेल्स के बारे में। मुंबई सेंट्रल से यह ट्रेन 9:20 पर खुलेगी और यहां से खुलने के बाद 5:30 पर पोरबंदर पहुंचेगी। अगली सूचना तक इस ट्रेन का भी परिचालन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पांचवी ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। पांचवी ट्रेन भावनगर से ओखा के बीच चलेगी और यह ट्रेन भावनगर से 10:10 पर रात में खुलेगी। अगले दिन 12:15 पर यह ट्रेन दोपहर में ओका रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन का परिचालन आज से अगले तारीख तक देखने को मिलेगा। ट्रेन नंबर 09519 के साथ आप इस ट्रेन की बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का यह और नई ट्रेन चलाई जाएगी जिनमें कि मुंबई सेंट्रल से हिसार के बीच सुपरफास्ट ट्रेन, वलसाड़ से लेकर के जोधपुर के बीच स्पेशल ट्रेन और हिसार से लेकर के मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन के साथ साथ इंदौर से लेकर के नागपुर के लिए सुपरफास्ट ट्रेन और डॉक्टर अम्बेडकर से नागपुर के लिए एक और नई ट्रेन। वहीं इन रूटों के अलावे भोपाल से डॉक्टर अंबेडकर के बीच भी एक नई ट्रेन चलाई जाएगी। इन सभी ट्रेनों का डिटेल्स और लिस्ट हमने आपको दे दिया। यह अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब नई ट्रेनों का अपडेट पाने के लिए।